आरजू चौहान सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन 2 फरवरी को उसकी आंख थोड़ी देर से खुली तो वह नहा धोकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। कॉलेज जाने में देर न हो जाए आरजू ने नाश्ता तक नहीं किया, केवल चाय पीकर 8:30 बजे घर से निकल गई। कॉलेज से वह अक्सर दोपहर 2 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन जब कभी उसे आखिरी पीरियड अटेंड करना होता था तो घर आने में उसे 4 बज जाते थे। लेकिन जब उस दिन वह 4 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ कविता ने उसे फोन किया कि इस समय वह कहाँ है और कब तक घर आएगी, लेकिन उसका फोन बंद था। कई बार फोन करने पर भी बात नहीं हो सकी तो वह परेशान हो उठी कि पता नहीं आरजू ने फोन क्यों बंद कर दिया है। आरजू के पिता संजीव चौहान उस समय घर पर ही थे। पत्नी को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? आरजू अभी तक कॉलेज से नहीं आई है, उसका फोन मिलाया तो वह भी बंद है। कविता ने कहा, हो सकता है फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, तुम परेशान मत हो, अब वह बच्ची नहीं है जो तुम उसकी इतनी चिंता कर रही हो, संजीव चौहान ने पत्नी को समझाया। 1 घंटा और बीत गया पर आरजू घर नहीं आई। माँ ने फिर फोन किया, इस बार भी उसका फोन बंद मिला। उन्होंने यह बात पति को बताई तो उन्होंने भी अपने फोन से उसे फोन किया, उन्हें भी फोन बंद मिला, अब वह भी परेशान हो गए। आरजू की एक सहेली सिमरन का फोन नंबर कविता चौहान के पास था। उन्होंने सिमरन को फोन किया तो उसने कहा, आंटी आज मैं कॉलेज नहीं गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद आरजू की दूसरी सहेली राधिका को फोन करके आरजू के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वह भी उस दिन छुट्टी पर थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था चौहान दंपति की चिंता बढ़ती जा रही थी। जवान बेटी का मामला था इसलिए वह ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने आरजू के बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था। जवान बेटी के अचानक गायब हो जाने से माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है इस बात को संजीव चौहान और उनकी पत्नी कविता से ज्यादा और कौन महसूस कर सकता था। बेटी को इधर उधर तलाशते तलाशते रात के 11 बज गए पर उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। रात 11:30 बजे संजीव पत्नी को लेकर थाना मॉडल टाउन पहुंचे। थाना प्रभारी रामावतार यादव को उन्होंने बेटी आरजू के बारे में पूरी बात बताई। आरजू कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो उसके कहीं खो जाने की आशंका थी। जवान लड़की के गायब होने पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घट गई होगी, इसलिए आरजू के गायब होने के मामले में भी थाना प्रभारी ने यही सोचा कि वह अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी, 2-4 दिनों में घूमघाम कर खुद ही घर आ जाएगी। उन्होंने बातों ही बातों में संजीव चौहान से जानना भी चाहा कि उसकी किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं थी। संजीव चौहान ने इसके लिए मना कर दिया था। संजीव चौहान की तहरीर लेकर उन्होंने कहा कि वह परेशान न हो, उनकी बेटी जल्द ही आ जाएगी। पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की सूचना देने के बाद चौहान दंपति घर लौट आया। रामावतार यादव ने यह मामला सब इंस्पेक्टर अमित राठी के हवाले कर दिया। अमित राठी ने आरजू चौहान की गुमशुदगी की कार्रवाई में उसका हुलिया बताकर दिल्ली के समस्त थानों को वायरलेस से मैसेज प्रसारित करा दिया। बेटी की चिंता में चौहान दंपति की नींद आंखों से उड़ चुकी थी। उनके अलावा उनकी बेटी पायल और बेटा कृष्णा भी परेशान था। सवेरा होते ही संजीव चौहान बेटी की तलाश में निकल पड़े। पहले वह लक्ष्मीबाई कॉलेज गए जहां आरजू पढ़ती थी। वह प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने तुरंत कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाए। उस फुटेज से पता चला कि सुबह 9:02 पर आरजू कॉलेज आई थी। अंदर आने की पुष्टि होने पर प्रिंसिपल उन प्रोफेसरों को बुलवाया जो पहले और दूसरे पीरियड में आरजू को पढ़ाती थी। उन्होंने बताया कि आरजू ने केवल पहला पीरियड अटेंड किया था, अब सवाल ये था कि पहला पीरियड अटेंड करके वह कहाँ चली गई थी। संजीव चौहान ने आरजू के साथ पने वाली कुछ लड़कियों से बात की तो 2 लड़कियों ने बताया कि आरजू से मिलने अक्सर नवीन खत्री आता रहता था, कल भी वह अपनी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से आया था। संजीव चौहान के घर से करीब 150 मीटर दूर रहने वाले नवीन खत्री और आरजू के बीच कई सालों से गहरी दोस्ती थी। उनकी ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई थी। वे दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। करीब 4 महीने पहले संजीव के घर पंचायत हुई थी जिसमें नवीन के घर वाले भी आए थे। पंचायत में तय हुआ था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे और दोनों के ही घर वाले अपने अपने बच्चों को संभालेंगे। ये जानकारी मिलने के बाद संजीव घर आ गए।
आरजू के लापता होने की बात अभी तक संजीव के घर वालों के अलावा किसी और को नहीं पता थी। बदनामी के डर से संजीव चौहान ने अपने नाते रिश्तेदारों तक को बेटी के बारे में नहीं बताया था। वह खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। कॉलेज से उन्हें नवीन खत्री के बारे में जो जानकारी मिली थी, अगर वह उसके बारे में उससे पूछते तो बात मोहल्ले में फैल सकती थी, इसलिए उन्होंने उससे या उसके घर वालों से बात करना उचित नहीं समझा। 3 फरवरी को भी वह बेटी को तलाशते रहे, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चौहान परिवार दर्द को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने बात को ज्यादा दबाना उचित नहीं समझा और परिवार वालों को बेटी के गायब होने के बारे में बता दिया। उन्हें ये भी बता दिया था कि कॉलेज की लड़कियों से पता चला है कि आरजू कॉलेज से नवीन खत्री के साथ कार से गई थी। नवीन की शादी तय हो चुकी थी और अगले दिन यानी 5 फरवरी को उसकी शादी थी। परिवार वालों की सलाह पर कविता चौहान ने बेटी के बारे में पता करने के लिए नवीन के बड़े भाई संदीप खत्री को फोन किया। फोन संदीप की बहन ने उठाया। कविता ने कहा कि उन्हें नवीन से बात करनी है, तो उसने कहा, नवीन तो शादी की तैयारी में लगा है, आप चाहें तो मम्मी पापा से बात कर लें। कराओ, कविता ने कहा। लो संदीप भैया आ गए, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, नवीन की बहन ने कहा। देखो बेटा, आरजू 2 दिनों से घर नहीं आई है, पता चला है कि वह तुम्हारे भाई के टच में थी, नवीन ही उसे कॉलेज से ले गया है, अगर आप लोग नहीं बताते तो मैं पुलिसिया कार्रवाई करूंगी, कविता ने कहा। नहीं आंटी, वह नवीन के टच में नहीं थी, किसी ने आपको गलत बताया है, आप बेवजह नवीन पर शक कर रही हैं, कल उसकी शादी है। रही बात आरजू की, तो हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे, संदीप ने कहा। ठीक है, आज शाम 5 बजे तक मेरी बेटी मेरे पास आ जानी चाहिए, कविता ने कहा। आंटी, मैं इस बारे में SHO से बात करके आरजू को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, संदीप ने भरोसा दिलाया। संदीप ने आरजू को ढूंढने की बात कविता से कह तो दी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ ढूंढे। भाई की शादी थी, सारे काम वही देख रहा था। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह दादी के साथ संजीव चौहान के बड़े भाई राजपाल के घर पहुंचा। उनसे कहा कि कविता आंटी उस पर आरजू को ढूंढने का दबाव डाल रही हैं, आखिर वह उसे कहाँ ढूंढे। राजपाल की पत्नी के भतीजे की नारायणा में शादी थी, वह पत्नी के साथ शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह इस बारे में शादी से लौटने के बाद ही कुछ करेंगे। संदीप घर लौट आया। संजीव चौहान और उनकी पत्नी कविता का बेटी की चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। संदीप से बात किए उन्हें कई घंटे हो चुके थे, उधर से उनके पास कोई फोन नहीं आया था। आखिर उन्होंने ही फिर से संदीप को फोन किया। संदीप, क्या हुआ, अभी तक तुमने आरजू के बारे में कुछ नहीं बताया। आंटी, मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? हम राजपाल अंकल के पास गए थे, वह शादी में जा रहे थे, उनके लौटने के बाद ही बात करेंगे, संदीप ने कहा। मगर तुमने तो कहा था कि SHO से बात करके आरजू को ढूंढोगे, कविता ने कहा। आंटी, कल हमारे यहाँ शादी है, बताओ मैं उसे कहाँ से लाऊं? देखो, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मेरी बेटी घर आ जाएगी तो मैं शादी में कोई विघ्न नहीं डालूंगी, उन्होंने कहा। संदीप ने फोन अपनी दादी राजरानी को दे दिया। राजरानी से बात करते समय कविता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भर्राए आवाज में कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, 3 दिन हो गए मेरी बच्ची घर नहीं आई, दुख तो हमें भी है, हमने नवीन को इतना टाइट कर दिया था कि वह 3 महीने से अपनी बहन के घर है, वहीं पर वह अपना काम भी कर रहा है, यहाँ आता भी नहीं, अब यह उस बच्ची को कहाँ से लाए, राजरानी ने कहा। मुझे पता चला है कि 1 हफ्ते पहले नवीन बाइक से आरजू का बस का पास बनवाने ले गया था, अभी भी वह उसके साथ घूमती थी, आप कैसे कह रही हैं कि वह आरजू से नहीं मिलता था, संदीप ने भी कहा था कि अपनी इज्जत के लिए वह कुछ भी करेगा, कविता ने कहा। कह दिया होगा तो वह गारंटी थोड़े ही लेगा, वह माचिस की डिब्बी में तो है नहीं जो निकाल कर दे दें, लड़की की जो फ्रेंड है उनसे भी पूछ लो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी रिश्तेदारी में जहां शादी हो रही है वह वहीं पहुंच जाए, शांति रखो सब ठीक हो जाएगा, मैं शांति ही तो रखे हुए हूँ, मैंने पुलिस के पास अभी नवीन का नाम तक नहीं लिखवाया है, मुझे मेरी बेटी दिलवा दो, मैं बहुत सहयोग करूंगी, मेरी बेटी तुम्हारी शादी में विघ्न भी नहीं डालेगी, कहते कहते कविता रो पड़ी। अगले दिन नवीन की शादी थी। कविता ने सोचा कि हो सकता है शादी के बाद वह बेटी को ढूंढने में मदद करें, इसलिए उन्होंने 1 दिन और चुप रहना उचित समझा।
6 फरवरी की शाम तक संदीप खत्री और उसके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो चौहान दंपति के सब्र का बांध टूट गया। संजीव चौहान थाने पहुंचे और उन्होंने शक के आधार पर नवीन खत्री के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई तेज हो गई। डीसीपी विजय सिंह ने एसीपी मॉडल टाउन के नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी रामवतार यादव, अतिरिक्त थाना प्रभारी सुधीर कुमार, एसआई संदीप माथुर, अमित राठी, विश्व प्रताप शर्मा, हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, जय भगवान, कांस्टेबल शिव कुमार, नवीन, राजेश को शामिल किया गया। रिपोर्ट नामजद थी इसलिए पुलिस टीम गांव राजपुर गुड़मंडी में नवीन के घर जा पहुंची। वह घर पर नहीं मिला। उसकी माँ और दादी ने बताया कि वह अपनी नयनवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने गोवा गया है। पुलिस टीम लौट आई। उसके गोवा से लौटने के बाद ही उससे आरजू के बारे में पूछताछ की जा सकती थी। इस बीच पुलिस ने आरजू और नवीन खत्री के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा लिया था। उस दिन रात 10 बजे के करीब पुलिस टीम को खबर मिली कि नवीन आजादपुर से मॉडल टाउन की ओर डीटीसी की एक बस से आ रहा है। इस खबर पर थाना प्रभारी चौंके क्योंकि उन्हें तो उसके गोवा जाने की खबर मिली थी। उनके पास नवीन खत्री का फोटो था ही इसलिए वह मॉडर्न टाउन 2 के बस स्टॉप पर खड़े होकर आजादपुर से आने वाली बसों की तलाशी लेने लगे। आखिर एक बस में उन्हें नवीन खत्री मिल गया। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की लेकिन बस के दोनों दरवाजों पर पुलिस के तैनात होने की वजह से उसकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। उसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने ले आई। आरजू के बारे में पूछने पर उसने कहा, 4 महीने पहले जब पंचायत बैठी थी तभी से मैंने उसे बातचीत बंद कर दी थी। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। उस दिन वह कॉलेज से कहां गई मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आरजू तुम्हारे साथ जाती दिखाई दी है। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उस दिन सुबह से ही अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। नवीन ने कहा, नवीन और आरजू के नंबरों की कॉल डिटेल से पता चला था कि 2 फरवरी 2016 को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच उसकी आरजू से बात हुई थी। उस समय उसके फोन की लोकेशन भी लक्ष्मीबाई कॉलेज के आसपास थी। इससे साफ लग रहा था कि नवीन झूठ बोल रहा है। पुलिस ने उसे सारे सबूत दिखाकर पूछताछ की तो उसे सच बोलना पड़ा। उसने मान लिया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है और इस वक्त लाश उसके घर में ही पड़ी है। पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि शादी वाले घर में 5 दिनों से लाश कैसे रखी है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची तो मकान में कमरों और किचन के बीच वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगह छूटी थी। उसी खाली जगह में पानी के पाइप लगे थे, उसे शाफ्ट कहते हैं। उसी शाफ्ट में उसने आरजू की लाश छिपा कर रखी थी जिसे उसने बरामद करा दी। घर से आरजू की लाश बरामद होने पर नवीन के घर वाले भी हैरान रह गए। आरजू की लाश बरामद होने की जानकारी थाना प्रभारी ने डीसीपी व अन्य अधिकारियों को दी तो जिला स्तर के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। लाश देखकर ही लग रहा था कि हत्या कई दिनों पहले की गई थी। लाश से दुर्गंध भी आ रही थी। उसके गले में उस समय भी एक दुपट्टा लिपटा था। थाने का माहौल गमगीन हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि नवीन के अलावा इस केस में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह समझा बुझा कर पुलिस ने उन्हें शांत किया। इसके बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल भेज दी। 7 फरवरी को पुलिस ने नवीन खत्री को रोहिणी न्यायालय में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनाली गुप्ता के समक्ष पेश करके पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में अभियुक्त नवीन खत्री से विस्तार से पूछताछ की गई तो आरजू चौधरी की हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेम, धोखा और छुटकारे की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। संजीव चौहान उत्तरी पश्चिमी जिले के गांव राजपुरा गुड़मंडी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कविता के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। आरजू उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी। बड़ी बेटी पायल पढ़ लिख कर दिल्ली के ही एक निजी स्कूल में टीचर हो गई थी। दूसरी बेटी आरजू दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वह कॉलेज बस से आती जाती थी। कभी भी वह अपनी सहेलियों के साथ कमलानगर मार्केट घूमने चली जाती थी। एक दिन आरजू कॉलेज की एक दोस्त के साथ कमलानगर मार्केट घूमने गई थी, तभी वहां उसकी मुलाकात नवीन खत्री से हो गई। नवीन को वह पहले से जानती थी क्योंकि वह उसी के मोहल्ले में रहता था, लेकिन वह उससे कभी मिली नहीं थी। नवीन भी राजपुरा गांव के राजकुमार का बेटा था।
उस दिन रेस्टोरेंट में नवीन और आरजू की पहली बार बात हुई तो आरजू के खाने पीने का बिल नवीन ने ही चुकाया। उस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए। ये करीब 2 साल पहले की बात है। पहली मुलाकात में ही आरजू नवीन को भा गई थी। उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए वह उसे जब तक फोन करने लगा। कभी भी आरजू जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकलकर मेन रोड तक पहुंचती, नवीन मोटरसाइकिल लेकर आ जाता। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाने के लिए कहता कि उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने से होते हुए करोलबाग जाना है। तब आरजू उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती। इस तरह आरजू और नवीन के बीच दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। इसके बाद वह अक्सर नवीन की मोटरसाइकिल पर घूमने लगी। नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। राजपुरा गांव के कुछ लोगों ने आरजू को नवीन के साथ घूमते देखा तो इसकी चर्चा गांव में होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों के ही घर वालों को उनके प्यार की जानकारी हो गई। तब उन्होंने अपने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरजू और नवीन अपनी प्यार की धुन में रमे थे। उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। हाँ, उन्होंने मिलने में अब एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी। प्यार कर लिया, साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि वे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिसकी वजह से शादी होना असंभव है। गांव के रिश्ते से एक तरह से वे भाई बहन लगते थे। अगर यह बात वे पहले सोच लेते तो उनकी मोहब्बत परवान न चढ़ती। संजीव चौहान को लगा कि नवीन ने ही उनकी बेटी को बहका कर अपने जाल में फांस लिया है, इसलिए उन्होंने फोन करके नवीन के घर वालों से शिकायत की। इसके बाद नवीन के घर वाले कुछ परिचितों को लेकर संजीव चौहान के घर पहुंचे। ये करीब 4 महीने पहले की बात है। एक ही गांव का होने की वजह से शादी होना असंभव था, इसलिए सबने यही कहा कि दोनों के घर वाले अपने अपने बच्चों को समझाएं। कहा जाता है कि अपने घर वालों की इज्जत को देखते हुए आरजू ने नवीन से बात करनी बंद कर दी थी। उसने उससे दूरियां बना ली थीं। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। कल्पनाओं की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने किंग्स में कैंप स्थित एक इंस्टीट्यूट में एनिमेशन के कोर्स में दाखिला भी ले लिया था। कॉलेज से लौटने के बाद वह एनिमेशन सीखने जाती थी। आरजू और नवीन भले ही घर वालों के दबाव में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पुरानी यादों को भूलना इतना आसान नहीं था। जब कभी वे घर पर एकांत में होते तो उनकी पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगतीं। वे यादें उन्हें फिर से मिलने के लिए उकसा रही थीं। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और फोन पर बातें ही नहीं करने लगे बल्कि मिलने भी लगे। अब आरजू नवीन पर शादी का दबाव डालने लगी, मगर नवीन कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टालता रहा। पंचायत के फैसले के बाद नवीन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के नागल देवत में अपनी बहन के घर रहने लगा था। वह वहीं से आरजू से फोन पर बात करके निश्चित जगह पर उसे मिल लेता था, जबकि घर वाले सोच रहे थे कि बच्चों ने संबंध खत्म कर लिए हैं। इस बीच नवीन के घर वालों ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 स्थित विश्वासनगर की एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी थी। इतना ही नहीं, 5 फरवरी 2016 को विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। ये बात आरजू को पता चली तो वह नवीन पर बहुत नाराज हुई। उसने उसे धमकी दी, मैं किसी और से तुम्हारी शादी कतई नहीं होने दूंगी। आरजू की इस धमकी से नवीन डर गया। आरजू की धमकी वाली बात नवीन के घर वालों को पता चली तो वे भी परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे जैसे नवीन की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नवीन को इस बात का डर था कि वह उसकी शादी में पहुंचकर लड़की वालों के यहां कोई बवंडर ना खड़ा कर दे। अब आरजू उसके लिए मुसीबत बन गई थी। तमाम रिश्तेदारों और परिचितों को वह शादी के कार्ड दे चुका था। बाकी बचे लोगों को 2 फरवरी को उसे कार्ड बांटने और दोपहर को नागल देवत से अपनी बहन को लाने जाना था। उसी दिन उसकी आरजू से बात हुई तो उसने उस पर शादी का दबाव ही नहीं डाला बल्कि धमकी भी दी। उसकी धमकी से परेशान नवीन ने उसी समय आरजू से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय ले लिया। 2 फरवरी को आरजू अपने नियत समय पर कॉलेज चली गई। उसी दौरान उसकी नवीन से बात हुई तो उसने 9:30 बजे उससे कॉलेज के गेट पर मिलने को कहा। पहला पीरियड अटेंड करने के बाद आरजू कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहे अपने प्रेमी नवीन के पास पहुंच गई। आरजू को अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में बिठाकर नवीन करोलबाग धौलाकुआं नक्षरग रोड से मुनीर का होते हुए देवली गांव पहुंचा। वहां पर नवीन की बुआ रहती हैं। कार को सड़क पर खड़ी करके वह अकेला ही बुआ के यहां कार्ड देने गया। आरजू बार बार उससे यही कह रही थी कि तुम शादी के कार्ड बांट तो रहे हो, लेकिन मैं यह शादी होने नहीं दूंगी।
नवीन ने तो कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए उसकी धमकी को उसने गंभीरता से नहीं लिया। 12:30 बजे वह देवली से निकला। दोपहर तक उसे अपनी बहन के घर पहुंचना था। 12:30 बजे उसे देवली में ही बज गए। बहन के यहां पहुंचने में उसे 2 घंटे और लगने थे, इसलिए वह कार को तेजी से चलाते हुए सैनिक फार्म, साकेत, मेहरौली होते हुए वसंत कुंज पहुंचा। वहां बाजार में बीकानेर की दुकान पर उसने आरजू को गोलगप्पे खिलाए। 2:15 बजे वह बहन के गांव के लिए निकला। इस बीच आरजू शादी की बात को लेकर उससे बहस करती रही। नागल देवत गांव से पहले केंद्रीय विद्यालय के पास सुनसान सड़क पर उसने कार रोक दी। आरजू उसे बार बार धमकी दे रही थी। नवीन बेहद गुस्से में था। उसने आरजू के गले में पड़ी चुन्नी के दोनों सिरे पकड़कर कस दिए। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गला दबाते समय आरजू की नाक और मुंह से थोड़ा खून तो निकला ही, उसका यूरिन भी निकल गया था। आरजू के मरते ही नवीन के हाथ पैर फूल गए। नाक व मुंह से निकले खून को आरजू के बैग से पोंछा। आरजू के पास 2 मोबाइल फोन थे। उसने दोनों के सिम कार्ड निकाल लिए। इसके बाद उसकी लाश कार की डिक्की में डाल दी। कार की अगली सीट पर निकले उसके यूरिन को उसने पहले अखबार से, फिर बोतल के पानी से साफ किया। बहन के यहां पहुंचने में उसे देर हो चुकी थी। वह बहन के यहां पहुंचा तो बहन अपने दोनों बच्चों के साथ तैयार बैठी थी। फटाफट उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। हत्या करने के बाद भी वह बहन से सामान्य रूप से बातें करता आया था। क्योंकि कार में लाश थी, इसलिए उसने उसकी चाबी अपने पास ही रखी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि वह लाश को ठिकाने कहां और कैसे लगाए। नवीन का जो मकान बना हुआ था उसके ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है। पहली मंजिल पर वह खुद रहता है, दूसरी मंजिल पर उसके माता पिता और दादी रहती हैं, और तीसरे फ्लोर पर उसका बड़ा भाई संदीप पत्नी के साथ रहता है। 2 फरवरी को नवीन की शादी का दहेज का सामान आ गया था। वह सारा सामान ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा हुआ था। 5 फरवरी को उसकी बारात जानी थी। घर वालों ने रात को दहेज का सामान के कमरे में सेट कर दिया था। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। लेकिन नवीन को नींद नहीं आ रही थी। वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में ही सोच रहा था। उसके मकान की रसोई और अन्य कमरों की वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह खाली छोड़ी गई थी। इसे वे शाफ्ट कहते थे। लाश छिपाने के लिए नवीन को वही जगह उपयुक्त लगी। सुबह करीब 5 बजे नवीन उठा और अपनी कार की डिक्की से आरजू की लाश निकालकर शाफ्ट में डाल दी। लाश के ऊपर उसे एक पॉलीथिन डाल दी। शाफ्ट में एग्जॉस्ट फैन लगा था। उसकी हवा से कहीं पॉलीथिन लाश से हट न जाए, उसके ऊपर घर में पड़ा टूटा कांच डाल दिया। अपने ही घर में लाश को ठिकाने लगाकर नवीन को थोड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन वह आरजू का पॉकेट पर्स, मोबाइल फोन हैदरपुर बाईपास के नज़दीक गहरे नाले में फेंक आया। उधर आरजू के माँ बाप को जब पता चला कि 2 फरवरी को उनकी बेटी नवीन के ही साथ गई थी, तो कविता चौहान ने नवीन के भाई संदीप से बात की। कविता के दबाव पर संदीप और उसके पिता ने नवीन से बात की तो उसने बताया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है और उसकी लाश को जंगल में फेंक आया है। उसने यह नहीं बताया कि लाश घर के शाफ्ट में रखी है। कार में हत्या का सबूत न रह जाए, इसके लिए उसकी धुलाई होनी जरूरी थी। दिल्ली के पीतमपुरा गांव में नवीन के रिश्ते के मामा कृष्ण रहते थे। संदीप ने फोन करके आरजू की हत्या करने वाली बात उन्हें बताई तो उन्होंने तसल्ली दी कि चिंता न करें, आगे का काम वह देख लेगा। 5 फरवरी को नवीन के भात भरने की रस्म पूरी करने के लिए कृष्णराजपुरा गांव पहुंचा तो वह अपने साथ अपने गांव ही के नवीन को भी साथ लाया था। वह उनका नज़दीकी था। भात भरने की रस्म के बाद कृष्ण और नवीन उसकी स्विफ्ट डिजायर कार पीतमपुरा ले गए। इसी चक्कर में वे उसकी बारात तक नहीं गए। पीतमपुरा में उन्होंने कार की अंदर बाहर अच्छी तरह सफाई करा दी। 6 फरवरी को कार संदीप के घर पहुंचा दी। शाफ्ट में रखी लाश की बदबू घर में फैलने लगी तो नवीन थोड़ी थोड़ी देर में परफ्यूम छिड़क देता था। परफ्यूम की बोतल खत्म हो गई तो वह बाजार से तेज सुगंध वाले परफ्यूम की 2 दर्जन बोतलें खरीद लाया, जिनमें से वह 17 बोतलें छिक चुका था। मेहमान और घर वाले यही समझ रहे थे कि नवीन ये सब शादी की खुशी में कर रहा है। सच्चाई तो तब सामने आई जब पुलिस ने घर से आरजू की लाश बरामद की। नवीन खत्री ने अपनी नयनवेली दुल्हन के साथ हनीमून के लिए गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया था। उसकी 6 फरवरी की शाम को दिल्ली से गोवा की फ्लाइट थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी फ्लाइट चली गई तो निराश होकर वह घर लौट आया। इसके बाद किसी काम से वह आजादपुर गया था। 10:00 बजे वह वहां से बस से मॉडल टाउन के लिए लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
नवीन खत्री से पूछताछ के बाद पुलिस ने 12 फरवरी को नवीन खत्री के पिता राजकुमार, भाई संदीप खत्री, रिश्ते के मामा कृष्ण और नवीन को भादमवी की धारा 201, 202, 212 के तहत गिरफ्तार कर लिया। सभी को महानगर दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने राजकुमार, संदीप खत्री, कृष्ण और नवीन पर जमानती धाराएं लगाई थीं, इसलिए इन चारों को उसी समय कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि नवीन खत्री को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवीन खत्री के पिता राजकुमार हाल ही में जेल से पैरोल पर बाहर आया था। उसने सन 2005 में गांव के ही अजय का मामूली बात पर कत्ल कर दिया था। हत्या के इस मामले में उसके परिवार के 6 सदस्य जेल गए थे। बहरहाल, कथा लिखने तक प्रेमिका की हत्या करने वाले नवीन खत्री की जमानत नहीं हुई थी। केस की जांच इंस्पेक्टर सुधीर कुमार कर रहे हैं। कथा पुलिस सूत्रों और आरजू के घर वालों के बयानों पर आधारित। धन्यवाद।